हेलो फ्रेंड, कुछ टेस्टी किचन में आपका स्वागत है। आज हम रेसिपी में बनाएंगे टेस्टी लौंग लत्ता। तो चलिए फ्रेंड, लौंग लत्ता बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा लिया है हमने एक कटोरी, शक्कर लिया है कटोरी, और हमने बारीक कट लिया है सूखा नारियल है हमारे पास, और मावा लिया है हमने, और ऑयल हमारे पास 2 चम्मच है। तो चलिए फ्रेंड, लौंग लत्ता बनाने के लिए हमें सीरा बनाना पड़ेगा। तो हमने शक्कर ऐड किया है, उसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास 1.5 गिलास करीब पानी ऐड करेंगे। इसको उबलने के लिए छोड़ेंगे हम। तो आटा बनाने के लिए हमने लिया है एक बर्तन, इसमें हम मैदा ऐड किए हैं। इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना इसमें है, 2 चम्मच करीब। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से बढ़िया से मिला लेते हैं, ऐसा हाथ में पूरा बराबर आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड, आटा बनाने के लिए हम थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके आटा बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा आटा अच्छे से बन रहा है, और हमारा आटा बिल्कुल कड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से आटे को हम अच्छे से बनाएंगे सॉफ्ट एकदम। तो फ्रेंड देखिए, हमारा आटा रेडी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट रेडी आटा हुआ है हमारा एकदम। इसी तरीके से आटा हमको बनाना है। तो अब देखिए, हमने आटे के पीस लिए थोड़ा, इसको पेड़ी के आकार में लाएंगे हम। इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं, लंबा लंबा साइज के बेलेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड, हमने अच्छे से लंबे आकार में बेल लिया है, इसका हम शेप देंगे अभी। तो चाकू के सहारे से हम ऐसे काट लेते हैं, इस तरीके से काट लेंगे हम। इसके बाद इसमें हम मावा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा मावा ऐड करेंगे हम, अच्छे से दबा लेते हैं हमें। इसके बाद इसमें हम नारियल जो कटा हुआ हमारा है उसको ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने मावा अच्छे से फिट कर लिया है, और आप जैसे हमने चाकू से काटा है, आप नहीं भी चाहेंगे तो नहीं भी काट सकते हैं, फिर भी आप फिट करके बना सकते हैं। और हम चाकू से काट लेते हैं तो हमारा डिजाइन सिर्फ अच्छा आता है। और मावा फ्रेंड हमने घर पे ही बनाया है, और 1 पाव दूध का हमने मावा बना रेडी किया है, तो आप घर पर भी बना सकते हैं, मावा तैयार करके बना सकते हैं लौंग लत्ता अच्छे से। इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे। देखिए हमारा सेप कितना अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरीके से सारे पीस हम रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, लौंग लत्ता के सारे पीस हमने रेडी कर लिया है। अब इसको चलिए हम फ्राई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं फ्राई करने से पहले कि हमारा सीरा पक चुका है कि नहीं। तो ऐसी तरीके से हम चेक करेंगे, तो हमारा सीरा अगर चिपचिपाएगा तो हमारा सीरा पक चुका है। सीरा हमारा मोटा ही होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, तो हमारा सीरा पक चुका है। तो चलिए फ्रेंड, गैस पर हमने एक बर्तन रखा है, इसमें हम तेल ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, इसका इंतज़ार करेंगे हम। देखिए फ्रेंड, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें एक एक पीस करके हम ऐड करेंगे। एक बार में हम 4 पीस ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से पकाना है, क्योंकि हमारा ये मैदा है ना बहुत मोटा है, तो इसको हमको पहले गैस हमारा हाई फ्लेम था, इसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर दिया है, और इसको अच्छे से अलटते पलटते हुए अच्छे से पकाना हमको है, क्योंकि मैदा मोटा है तो कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से ब्राउन कलर में हमारा आ चुका है, इसी तरीके से हमको पकाना है। तो ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है हमारा, इसको हम निकाल लेते हैं। इसका तेल अच्छे से हम निकाल के निकालेंगे।
तो चलिए फ्रेंड इसी तरीके से सारे लौंगता हम फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड इसको हम चाशनी में ऐड करते हैं। चाशनी हमारा हल्का गर्म है, इसके बाद इसको हम पलट देते हैं। तो फ्रेंड इसको हम अच्छे से हिला लेते हैं ऐसे हैं और पलट भी देते हैं। इसके बाद इसको हम एक घंटे के लिए ढक के रखेंगे कि जो हमारा चाशनी है अच्छे से सोख लेगा तो खाने में बहुत सॉफ्ट लगेगा लौंगता हमारा। तो चलिए फ्रेंड हमारा एक घंटा हो चुका है, देखिए हमारा लौंगता अच्छे से सूख चुका है सिरा को, इसको हम निकाल लेते हैं। और लौंगता बिना मावा का भी बनता है पर इसमें हम क्या मावा लगा के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड हमारा लौंगता कितना टेस्टी दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।